नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको बीएचयू पाठशाला पे देखने को मिल रहा है। ये वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और ये गुड न्यूज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। उसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हो। बीएचयू पाठशाला के अदर सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सब पे जाके आप उन यहाँ पे डीएम कर सकते हो, बाकी वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर वो गुड न्यूज है क्या जिसके लिए इतने ज्यादा मैं भी खुश हूं और बच्चों में भी खुशी की लहर आने वाली है। देखो, जब बीएचयू ने अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए थे, बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में या अवेयरनेस की कमी से अपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी। उन्होंने प्रेफरेंसेस भरने में गलती कर दी, क्वालिफाइंग मार्क्स गलत डाल दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए या डॉक्यूमेंट्स उसमें अवेलेबल नहीं थे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइनली आप ये तमाम चीजें सही कर पाओगे। कब कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, ये सब बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला पे मिशन काउंसलिंग चल रहा है जिसमें हम लोग 100 वीडियोज लेकर आएंगे और आपका ये 100 वीडियो आपके क्लासेस चलने तक आपको मिलेंगी, ध्यान देना। और बीएचयू पाठशाला को पहुंचाना है 100K सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा बनने वाले हो, बीएचयू में आके पढ़ने वाले हो और मैं यहीं का स्टूडेंट हूं, तो बहुत मजेदार एक सीन होने वाला है। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू से सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अब देखो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट बीएचयू ऑनलाइन, जो कि बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड है जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 तारीख तक आपका डेट बढ़ा दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन, 9-10 अक्टूबर के लिए आपका प्रेफरेंस एंट्री, और यहां से आप काउंसलिंग अपना स्टार्ट करते हो। मैं काउंसलिंग पे क्लिक कर देता हूं। यहां पे आपका आता है यूजी स्टूडेंट लॉगिन। जैसे आप क्लिक करते हो, आपसे मांगा जाता है क्या, रजिस्ट्रेशन के लिए मेक रजिस्ट्रेशन, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए साइन इन। तो हम लोग साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना रहता है। यहाँ पे कुछ बच्चों के इरर आ रहे हैं, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है, कल शाम 6 बजे के बाद सभी के पोर्टल्स बहुत ही अच्छे से स्मूथली ओपन होने लगेंगे, यानी एरर का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं क्या बोला कि कल से अगर यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम आ रही है या फिर यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम आ रही है मेक रजिस्ट्रेशन पे, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होने जा रही है। अब बात आती है कि सर हम क्या क्या अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एक बच्चे का मैंने एग्जाम्पल लिया है। देखो, यहाँ पे एक बात दिमाग में बैठा लो कि रजिस्ट्रेशन में करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करेक्शन जो आएगा वो रजिस्ट्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बस एक गेटवे था काउंसलिंग में एंट्री लेने का। उसका ना ही डेटा कंसीडर किया जा रहा है, ना ही उसमें एडिट का ऑप्शन आने वाला है, तो उसके लिए वरीड नहीं होना है। हमें वैसे भी रजिस्ट्रेशन में करेक्शन नहीं चाहिए था। हमें करेक्शन कहाँ चाहिए था, हमें करेक्शन चाहिए था रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिफरेंस वाले में, क्योंकि वहीं पर उन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे हम लोग से, और वहीं पर हम लोगों से इन्होंने क्या मांगा है, क्वालिफाइंग मार्क्स मांगा है, और वहीं पर इन लोगों ने हम लोग से अपने प्रेफरेंसेस फिलअप करवाए हैं। तो दोस्तों, मेरे जितने वीडियो प्रेफरेंस वाले हैं, क्योंकि अभी कमिंग डेज में मैं आज रात में वीडियोज बना के आपको दे दूंगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस यूपीएससी के लिए, बेस्ट कॉम्बिनेशंस जॉब के लिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, ये वीडियोज मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि उस वीडियो को देखने के बाद जब ये करेक्शन विंडो ओपन हो तो आप जाके प्रेफरेंसेस फिलअप कर पाओ। अब ये विंडो कब ओपन होगा, ये विंडो ओपन होगा कल 6 बजे के बाद। कब ओपन होगा, कल 6 बजे के बाद, ध्यान देना, कल 6 बजे के बाद। तुरंत मत चले जाना वहां पे, आराम से 6-7 घंटे का टाइम लेना, हो सकेगा तो 7 तारीख को उठना सुबह में, फिर उसके बाद स्थिर दिमाग से अपने जो भी करेक्शंस करने हो, क्वालिफाइंग मार्क्स में प्रेफरेंसेज ऊपर नीचे करना होगा, तो ये तमाम चीजें आप लोग कर पाओगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर क्या हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, एग्जैक्टली आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे, आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट कर पाओगे, आप लोग अपने प्रेफरेंसेज को ऊपर नीचे कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, आप लोग कर नहीं पाओगे वो चीज जो एनटीए की डेटा में आपने दिया था। सपोज कि आपने एनटीए में ईडब्ल्यूएस नो कर दिया था, तो अब जाके आप ईडब्ल्यूएस एस नहीं कर सकते हो, या आपके पास अभी कोई अपडेट सर्टिफिकेट आया हो, सपोज कि आपने वहां पे एस किया था लेकिन अभी आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं था जब आपने स्टार्ट किया था बीएचयू रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो चुका है, तो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं शोर कर दिया फिर से। अब देखो, यहां पे प्रेफरेंसेज एडिट करने का चीज, जैसे यहाँ पे मैंने बीए लिया, गो कर दिया, अब इनका प्रेफरेंसेज ओपन हो जाएगा। देखो ये प्रेफरेंसेज, तो प्रेफरेंसेज ओपन होने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके यहाँ पे अपलोड हो सकते हैं।
उसके बाद मैंने प्रोसीड कर दिया, यहाँ पे आपके आ जाएंगे जो भी रेगुलर पेड वगैरह हैं, यहाँ पे गो कर दिया मैं। गो करने के बाद यहाँ पे जो भी ये प्रेफरेंसेज हैं, ये यहाँ से रीसेट करने के बाद नीचे से, ठीक है, यहाँ से रीसेट करने के बाद आप इसको एडिट कर पाओगे फाइनल सबमिशन के बाद भी। अब यहाँ पे एक डाउट है बच्चों का जो बार बार आ रहा है वो डॉक्यूमेंट वालों को लेके, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस पे रिजर्वेशन वाले नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये अंडर डिस्कशन है कि आपको क्या एनटीए ने नो आपने लगा दिया है एनटीए के फॉर्म में और आपके पास अब डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो चुका है, तो क्या बच्चों को ये सहूलियत दी जाए, ऐसा डिस्कशन में है पॉसिबिलिटी। पूरी बीएचयू यही कर रही है कि वो लोग आपको प्रोवाइड कराएं, ये बात सत्य है कि बीएचयू चाहती है कि आपको वो डेटा वो लोग दें, कौन सी डेटा, वो ऑप्शन आपको दें करेक्शन के लिए जिससे कि आप करेक्ट कर पाओ। लेकिन बात यहां ये फंस जा रही है कि एनटीए बाद में मुकर जाएगा कि हमने ये डेटा आपको दिया नहीं था, तो डेटा मिसमैच होने के चांसेस हैं। यही रीजन है कि बीएचयू अभी डिलेमा में है, बट होपफुली ये ऑप्शन आपको मिले। बाकी आप कमेंट करके बताना कि क्या आप चाहते हो कि आपको ये ऑप्शन मिले। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम कॉन्शियस माइंड से जब करेक्शन विंडो ओपन होगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको करेक्शन करने के पूरे एक स्क्रीन रिकॉर्डर में वीडियोस दे दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप करेक्शन करना, क्योंकि इट विल बी लास्ट चांस फॉर करेक्शन। गाइस प्लीज केयरफुली सुनो इसको, ये आपके लिए अंतिम चांस होगा कि आप करेक्शन कर पाओगे, उसके बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद सीधे आपके एडमिशन के बाद ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाते हो वो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफलाइन जब आप काउंसलिंग कराने आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय आपका रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। खैर वो बात की बात है, मैं आपको समझा दूंगा। और अभी मैं जस्ट इसके बाद एक वीडियो देने वाला हूं कि सेमेस्टर एग्जाम्स में बेस्ट प्रेफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से प्रेफरेंसेस भरने से आपको मार्क्स अच्छा मिल सकता है, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। एक दो बातें मिस हुई हैं जो कि मैं कमिंग वीडियोज में रख दूंगा। एक्चुअली देखो डेटा इतना ज्यादा दिमाग में आता रहता है कि थोड़ी थोड़ी चीज मिस भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं पोस्ट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या वीडियोज बना के आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, खूब हर्षोल्लास के साथ इसको सेलिब्रेट कीजिए, साल में एक बार आता है तो इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खूब मिठाइयां खाओ, खूब खुशियां बांटो और खुश रहो, मस्त रहो, बीजी पाठशाला देखते रहो। हर हर महादेव।